ऋषिकेश द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दिल्ली से कोई 250 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है एंड बहुत ही कन्वीनियंटली कनेक्टेड है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर ट्रैवलर्स जो कि योगा, सेरेनिटी, उसके बियॉन्ड एडवेंचर एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहते हैं। चाहे आप वीकेंड प्लान कर रहे हो या आप 3 से 4 दिन का या कैंपिंग का प्लान कर रहे हो, ऋषिकेश इज द प्लेस। वाइल यू नो आपने प्लान तो कर लिया ऋषिकेश जाना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऋषिकेश में जाके रुके तो रुके कहाँ। इस वीडियो में मैं कोई आपको रिजॉर्ट नहीं रिकमेंड कर रहा, बल्कि मैं आपको लोकेशंस के बारे में एक आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट आप इस वीडियो को देख के एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सके और अपनी राइट लोकेशन एंड उस लोकेशन के अंदर एक राइट रिजॉर्ट को चूज कर सके। वैसे तो ऋषिकेश एक मशरूम की तरह फैला है एंड हर जगह आपको रिजॉर्ट्स, प्रॉपर्टीज, होटल्स, धर्मशाला मिल जाएंगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट लोकेशन क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। सो ऋषिकेश को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चारों लोकेशंस में आपको रिजॉर्ट्स, होटल्स, धर्मशाला मिलेंगी, एक डिफरेंट प्राइस पे मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट लोकेशन है वो है हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच का जो एरिया है। तो ये आपकी हरिद्वार सिटी के भी पास पड़ता है और ऋषिकेश सिटी के पास भी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि गंगा आरती देखनी है या हमें ऋषिकेश के आसपास राम झूला, लक्ष्मण झूला के आसपास रहना है या आपने हर की पौड़ी जाना है, तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आपको एक बहुत ही यू नो इकोनॉमिकल रेंज में अच्छे होटल्स मिलेंगे। रिजॉर्ट्स शायद ना मिले यहाँ पे, अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप मेक माई ट्रिप या अदर यू नो वेबसाइट्स पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। जो सेकंड लोकेशन है वो शिवपुरी साइड पे आती है। यहाँ जो रिजॉर्ट्स हैं वो थोड़े प्रीमियम कैटेगरी के हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे वो आपको बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक राफ्टिंग, ज़िपलाइनिंग और जो ऋषिकेश के अंदर बहुत सारी बंजी जंपिंग होती है वो सारी इसी एरिया के आसपास मिलेंगी। तो अगर आप शिवपुरी में आ चुके हैं तो आपको इन यू नो एक्टिविटीज को करने के लिए ट्रैफिक में नहीं जाना पड़ेगा, आप इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड फेमस रिजॉर्ट्स हैं ऋषिकेश के, वो इसी एरिया में आते हैं, चाहे वो ताज की प्रॉपर्टी है, नीमराना, रोजेट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इसी एरिया के अंदर मिलेंगी। इनका USP क्या है, ये सारी गंगा किनारे हैं, सो यू कैन एक्चुअली गो एंड सी द वाइट सैंड बीचेस ऑफ गंगा फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज। एंड जो हमारे कैंप्स हैं जो कैंपिंग के लिए, वो भी इसी बेल्ट पे आते हैं। सो कैंप्स के बारे में मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा, बट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये 15,000 से लेके 50,000 तक जा सकती हैं। जो थर्ड लोकेशन है ऋषिकेश की वो पौड़ी गढ़वाल की साइड है। सो एक एरिया है नरेंद्र नगर, वहाँ पे आपको वेस्टर्न की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वेस्टर्न हिमालयस, यहाँ अनंता की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये जितने आपके हाई एंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस बेल्ट के अंदर आती हैं और यही रास्ता आपको मसूरी एंड कनातल की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे जो आपको फीलिंग आएगी ना वो गंगा किनारे वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि गंगा जी काफ़ी दूर हैं यहाँ से, दिखती हैं बट काफ़ी दूर है, इन प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी, बट आपको एक हिल स्टेशन वाली वाइब मिलेगी यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, वेस्टर्न हिमालयस जो है वो आपका 35,000 की रेंज में है। अनंता थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकल पड़ सकता है, बट आपके अगर उसके पैकेजेस में जाएंगे तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको 5-स्टार प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। एंड चौथी जो लोकेशन है जो हमारी लिस्ट में, वो थोड़ा सा हटके है ऋषिकेश से। ये इस एरिया को कहते हैं मोहन छत्ती। ये जब आप शिवपुरी के रास्ते जा रहे हैं तो यहाँ से राइट टर्न लेके आ जाता है, जो पुराना आपका दिल्ली ऋषिकेश का जो काइंड ऑफ हाईवे है या रोड है वहाँ पे आके मिलता है, और वहाँ से आगे जाके ये प्रॉपर्टीज आती हैं। यहाँ जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी रिवर साइड है, बट वो आपकी गंगा जी नहीं है, वो आपका सीजनल मानसून रिवर है। तो यहाँ पे जो लोकेशन एडवांटेज है, या आप कह रहे जो ये लोकेशन डिसएडवांटेज है, बिकॉज ये आप सिटी से दूर हो गए, आप ये एडवेंचर एक्टिविटीज से दूर हो गए, बट आप एक यू नो सिक्लूडेड सी प्लेस में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ब्रांडेड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जुस्टा है यहाँ पे, तो आपको 12,000 की रेंज में ऑल इंक्लूसिव डील मिल सकती है। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी और प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो यहाँ पे ये सीजनल रिवर के बैंक्स पे हैं, बट अगर आप मानसून में हैं तो आपको रिवर मिलेगी, अदरवाइज एक खुला सब मैदान मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप बजट में देख रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव पैकेज देख रहे हैं, तो ये एरिया भी आपके लिए एक रिकमेंडेड प्लेस बन सकता है। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही। बिफोर आई साइन ऑफ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ऋषिकेश में हमने 2 प्रॉपर्टीज को कवर किया था,
पहली थी हमारी वेस्टर्न हिमालयस, जिसका लिंक मैंने दे रखा है, एंड ऑन द सेम लाइंस हमने ग्लास हाउस ऑन द गैंजेस, जो नीमराना की प्रॉपर्टीज है उसको भी कवर किया है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप इन दो प्रॉपर्टीज को रिव्यू करना चाहें आप देख सकते हैं। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फेलो ट्रैवलर्स। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको और नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। This is Madhur signing off until my next video. Bye bye.